मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर से बात करना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है, 19 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। नरेंद्र सिंह जी, जो चुनाव हुआ तो उसमें तो मानो जैसे मध्य प्रदेश से आंधी आ गई क्रॉस वोट की, 19 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया मुर्मू के समर्थन में। देखिए, एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, महिला हैं, उनका सार्वजनिक और सामाजिक जीवन बहुत ही उत्कृष्टता से भरा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए और एनडीए के बाहर के जो लोग हैं उन्होंने भी वोट देते समय अपने मत का इजहार द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में देकर किया। मैं इस पद पर उनके विजयी होने के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कई राज्य ऐसे रहे जैसे असम, वहां से 22 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, महाराष्ट्र से 16 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, झारखंड से 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। क्रॉस वोटिंग की सबसे बड़ी वजह क्या लगी आपको, जहां बीजेपी की सरकार थी वहां ज्यादा हुआ है या अक्रॉस द नेशन? नहीं, मैं समझता हूं कि क्रॉस वोटिंग तब होती है जब जो उम्मीदवार हैं उनकी स्वीकार्यता अधिक हो, अधिक लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं तो इसलिए उनके पक्ष में मत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनका कहना है कि क्रॉस वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि उम्मीदवार की स्वीकार्यता थी, और उम्मीदवार की स्वीकार्यता होगी तो लोग उनके पक्ष में मतदान भी कर रहे हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली।